प्रयागराज में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के लोगों ने सुभाष चौराहे पर ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन खरीदारी करा रही है उससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और व्यापारियों की रोजी रोटी बंद होने के कगार पे आ चुकी है। ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली कंपनियों को तत्काल सरकार को बंद कराना चाहिए और व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। देश में 7 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं जो 28 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आज पूरे देश के अंदर से खुदरा व्यापार घट रहा है जिससे पूरे देश में रोजगार घट रहा है। इस देश से रोजगार को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए हमने 15 दिसंबर से राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने कानपुर के फूलबाग के मैदान से विशाल राष्ट्रव्यापी व्यापार बचाओ रथ यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग 2008 में 200 करोड़ रुपए का व्यापार था, आज 2019 मार्च तक यह व्यापार 3,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुंच गया है। उससे जिस तरह से कह सकते हैं कि हमने नई नीति आयोग ने कहा है आने वाले 7 सालों में इस देश से खुदरा व्यापार की दुकानें समाप्त होंगी, हमने भी संकल्प लिया है जब तक इस देश से ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन आंदोलन चलाएगा। यह रथ यात्रा उत्तर प्रदेश होती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल होती हुई 20 दिसंबर 2020 को 25 लाख व्यापारियों को रामलीला मैदान में एकत्रीकरण करके हम संघनाद करेंगे और सरकार से मांग करेंगे इस देश से खुदरा व्यापार को बचाए सरकार, ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कराए सरकार। इस मुहिम को पूरे देश में जगाने का काम, जन जन जागरण करने का काम रथ यात्रा के माध्यम से हो रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन सभी सामानों की खरीदारी करा रही है जिससे व्यापारियों का व्यापार में मंदी का दौर आ गया है। अगर इसको बंद नहीं कराया गया तो छोटे व्यापारी भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे